चलिए इसको ध्यान से सुनिए इस चीज को सुनिए और वैज्ञानिक बन करके प्रयोग करके देखिए और जब प्रयोग करिए तो उत्साह से करिए एफर्ट जॉयफुल एफर्ट सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने का एक ही साधन है कि ये वैज्ञानिक युग है द्वापर युग है किसी चीज के बारे में आप खोज करिए भारत की पढ़ाई क्या है लिख लिख जो पहले से परंपरा है वही रटते हैं रट करके सुना दिए लिख दिए तो बढ़िया नंबर मिलता है जो आपने रटा पढ़ा उसको सोच करके अपने आप लिखी कि आप उसके बारे में ये जानते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा इसे भारत में आविष्कार होता ही नहीं सोचिए कि 1600 सौ ईस्वी के पहले अमेरिका में स्लेवरी थी स्लेवरी का अर्थ स्लेव रहते थे स्लेव के माने जानते हैं कि नहीं जैसे किसी को खरीद लीजिए आदमी और उसे काम कराइए वही अमेरिका कैसे बड़ा हो गया पता है आविष्कार करते हैं अनुसंधान करते हैं खोज करते हैं गवर्नमेंट पैसा खोज में खर्च करती है शिक्षा में बहुत ज्यादा खर्च होता है वहां के एक एक यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है कितनी धनी कित्ति है कितनी संपन्न है हर कमरे में कंप्यूटर लगा है, हर चीज लगा कोई चोरी नहीं होता है इतना साफ सफाई का आप आश्चर्य करेंगे जिस यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट चलाती है वो छोटी है कमजोर है वो यहां पर अनुसंधान नहीं होता है तो आप इसका अनुसंधान करिए खोज करिए अब खोज क्या करेंगे इसको आप सोचिए कि द्वापर युग है कैसे है इसके बारे में सोचिए आंख बंद करके देखी चंद्रमा पृथ्वी चार घूमती है कैसे घूमती होगी सोची ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ेगी दिखाई पृथ्वी चंद्रमा पूरब से निकल के पश्चिम जाती है पूरब में उदय होते है पश्चिम में अस्त होती है सूरज पूरब में उदय होते पश्चिम में अस्त होते ये दिखता है क्या यह सही है कैसे खोज करेंगे उसको खोज करने के लिए अपने में एकाग्र होना होता है अपने में चंद्रमा और सूर्य दिखाई पड़ेगा कैसे दिखाई पड़ेगा हमें ज्ञान होगा कैसे ज्ञान होगा हम चंद्रमुखी हो गए इसका क्या अर्थ है कि हम गोरा रंग हो गए ऐसा नहीं जैसे कहते नहीं कि कृष्ण चंद्रवंशी थे चंद्रमुखी चंद्रवंशी जो चंद्रवंशी होगा चंद्रमुखी वही तो होगा चंद्रवंशी क्यों है क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि जो मैं कहना चाहता हूं कह नहीं पाता हूं जब कहीं नहीं पाते हैं तो आप सुनेंगे कैसे हमारे कहने में अपूर्णता है तो आप सुन नहीं सकते हैं। फिर आपने सुना तो आप सुन भी नहीं पाएंगे मैंने अधूरा कहा आप अधूरा सुने सुन करके आपने क्या सुना आप कहेंगे कह नहीं पाएंगे इसलिए वर्तमान में यह स्वयं सिद्ध है हम बोल करके कह करके सुन करके लिख पढ़ के पढ़ करके जो ज्ञान पाते हैं अधूरा है वो अधूरे ज्ञान का कारण है बीमारी इससे हम डॉक्टर हैं कल्पना करें हम कॉर्डियोलॉजिस्ट है हम चेस्ट स्पेशलिस्ट है हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है हम दांत के एक्सपर्ट हैं हर चीज के हम एक्सपर्ट हैं और नोबल प्राइज मिला है हमें सब फील्ड में तो क्या हम स्वस्थ होंगे नहीं होंगे अब गारंटी से स्वास्थ्य की परिभाषा सिर्फ एक ही है शिकायत रहित जीवन शिकायत रहित जीवन कैसे होगा हम कैसे माने कि हम शिकायत नहीं करते हैं प्रत्येक रचना आनंद और असीम लगे आपका हम गुणगान करें तो हमारे पास शब्द न मिले आपकी महिमा का वर्णन करें हमें शब्द और वाक्य न मिले जब इस तरह से हम सभी रचनाओं के विषय में जानकारी पाते हैं तभी हम शिकायत नहीं करेंगे इसका अर्थ खोज करना है आपका जो आकार प्रकार देखते वो नहीं है आप सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है कैसे खोज करें इसकी खोज भी अंदर में ही करना पड़ता है अपने में ध्यान लगाते लगाते ये ज्ञान हुआ हम कहना चाहते कह नहीं पाते लिखना चाहते लिख नहीं पाते हैं तो स्वयं सिद्ध है कि आप उसको सुन नहीं पाएंगे सुन करके आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे झगड़ा नहीं होनी चाहिए हमारे आपके बीच में कहने सुनने के आधार पर लिखने के आधार पर कोई भी झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए और चूंकि हम आपको इतना महान नहीं मानते हैं का अपनंत है सर्वव्यापी है निराकार परब्रह्म आपके रूप में है तो हमें बीमारी आएगी कुछ भी कर ले हमें कोई ना कोई बीमारी रहेगी चाहे अज्ञानता ही रहे हम 200 वर्ष पहले कहा थे पता ही नहीं 200 वर्ष आगे कहा होंगे पता नहीं बीमारी के कई रूप होते हैं इसलिए जो युग के बारे में हम आपको बता रहे हैं इसको समझिए हमको यही नहीं पता है कि दिन है ये तो बीमारी है कि नहीं इसमें दोपहर हो हमें पता चले कि आधी रात है बीमार कि नहीं आधी रात हो हमें पता चले दोपहर है बीमार है कि नहीं इसलिए आप लोग यहां पर अभी चलेगा यहाँ पे आवासीय कार्यक्रम 24 तारीख से बीस इक्कीस को यहाँ पर अच्छा सा क्रिया ध्यान का अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है हम उसमें इसको सेलिब्रेट करेंगे और 24 से लगातार आवासीय कार्यक्रम है 10 जुलाई तक उसके पहले आप वातावरण बनाइए इसको समझ करके और बार बार समझिए कैसे समझेंगे याद रखिएगा पढ़ के समझ में नहीं आएगा आंख बंद करिए अपने में सिर से की होली तक ये जो अनुभव करते हैं इसके आकार प्रकार का ये वो नहीं है सर्व्यापी है। हम आपके अंदर विद्यमान है हम दिखाई नहीं पड़ते आपके अंदर आप हमारे अंदर है हम खोजते हैं पाते नहीं है तो और खोजिए बनत बनत बन जाइए खोजते जाइए खोजते खोजते मिल जाएगी तो खोजना जारी रखिए बस इतना काम करिए करते करते तक ज्ञान हो जाएगा किसी चीज के बारे में लिखिए लिख नहीं पाएंगे जैसे आम अमरूद मूली तीनों का स्वाद लीजिए फिर गुलाब जामुन खाइए रसगुल्ला खाइए चीकू खाइए केला खाइए कितनी चीज मीठे नींबू खाइए ये मीठा ये खट्टा ये मिर्चा खाइए तीता लिखिए तीता है लिखे मीठा खट्टा है नींबू भी खट्टा छोटा नींबू खट्टा बड़ा नींबू खट्टा दोनों में क्या अंतर है लिखे नहीं लिख पाएंगे हम आपको देखे आपके बारे में लिखे लिख नहीं पाएंगे तो जब हम आपके बारे में देख करके लिख नहीं सकते जो स्वाद लेते हैं लिख नहीं सकते तो स्वयं सिद्ध हो गया कि हम लिख पढ़ करके जो पढ़ते हैं उसके आधार पर जो कहते हैं हम ज्ञानी हैं इससे बड़ी और कोई गलती नहीं होगी इससे ज्यादा गलती हो ही नहीं सकती इतफाक से हम भाई पढ़े लिखे वाले में आते हैं बहुत मेहनत से पढ़ाई की है हमें पता चला जितनी चीजें पढ़े सब बेकार निकल गई अगर मान करके हम आपकी सेवा करें तो एक भी फायदा नहीं करेगा आपको एकदम उसको हमने छोड़ दिया सिर्फ हॉली साइंस ले लिया बस इसमें जो लिखा है वही देखिए जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करती है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब दाहिने से बाई तरफ ऐसे ही पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सूरज भी एंटी क्लॉकवाइज तो चलो चंद्रमा घूमते हैं तो पता चलता है उजाला पाक अधेरा पाक पृथ्वी घूमती है तो पता चलता है ऋतुएं बदलती हैं। जब सूरज घूमते हैं तो क्या होता है कैसे पता करेंगे सूरज घूमता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता तो उसका इफेक्ट क्या है वर्ष में दो बार रात्रि और दिन बराबर होते हैं लगभग 21 सितंबर के आसपास ट्वेंटी थ्री सेप्टेम्बर के आसपास और मार्च ट्वेंटी फर्स्ट मार्च के आसपास एग्जैक्ट डेट ये नहीं है एक दो दिन आगे पीछे समझिए इस दिन दिन और रात्रि बराबर होता है इस दिन रात्रि बराबर होता है इस समझ में आता है चलो हमारा काम अनुसंधान करना आज 21 मार्च है फिर 21 सितंबर आया 23 सितंबर आया दिन और रात्रि बराबर हुआ तो एक साल के बाद फिर उसी समय मान लीजिए कि यह है समय ये समय है या ये समय है और एक ये, ये समय है इस दिन दिन और रात्रि बराबर है दिन और रात्रि बराबर ठीक है एक साल के बाद यह देखा गया कि दिन रात्रि है ये चौवन सेकंड और पहले हो जाता है ये जो हम एक एरो दिखा रहे हैं यह है चौवन सेकंड। चौवन सेकंड क्या होता घड़ी का सेकंड। घड़ी में एक घंटे में साठ मिनट एक मिनट में साठ सेकंड तो अब देखिए घड़ी की तरह तो चल रहा है तो चौवन सेकंड ये पहले ही हो जाता है दिन और रात बराबर जहां होना थोड़ा पहले हो जाता है अच्छा ऐसा क्यों हुआ फिर चलो अगले साल देखते हैं अगले साल चौवन सेकंड फिर पहले हो गया चलो अगले साल देखते हैं बड़ी पेशेंस है घबराइए मत दस साल तक देखेंगे हम हमने दस साल तक ऑब्जर्व किया हर साल चौवन सेकंड पहले हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा होगा क्योंकि जब एक घूमेगा तो 360 डिग्री होता है हर चीजें 360 डिग्री में घूमती है अगर यहाँ पर यहां पर दिन और रात्रि बराबर हुआ तो 360 डिग्री में एक वर्ष के बाद फिर यही होना चाहिए लेकिन नहीं होता है क्या होता चौवन सेकंड पहले हो जाता है अच्छा इसका मतलब सूरज घूम रहा है सूरज अपने स्थान पर नहीं रहा यहां पर है ठीक है अगर सूरज फिक्स है उसी समय पर अब एक साल के बाद दिन और रात्रि होगा लेकिन नहीं होता चौवन सेकंड पहले हो जाता है इसका मतलब एक वर्ष में सूरज चौवन सेकंड खिसक गया एक वर्ष में सूरज चौवन सेकंड खिसका इससे पता चलता सूरज विगत कर रहा है तो 360 डिग्री खिसकने में कितना समय लगेगा गुणा इसको बुरा करके देखिए 360 डिग्री इसको मिनट में बदलिए फिर इसको सेकंड में बदलिए ये जब करेंगे चौबीस हजार वर्ष आएगा इससे पता लगा कि चौबीस हजार वर्ष में सूरज एक परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा तो ऐसे कर रहे हैं एंटी क्लाकवाइज लेकिन ये जो है ये रेखा ये तो पीछे खिसक रही है यहां पर थी फिर यहाँ खिसकी फिर यहाँ खिसकी फिर यहाँ खिसकी इस समय यहाँ पर हम हैं इस जगह पर हैं 2023 हजार तेईस यहां से खिसकते खिसकते ये कितना दूर आ गई 22 डिग्री ये वाला है 22 डिग्री पचास सेकेंड पचास मिनट अड़तालीस सेकेंड बयालीस सेकेंड बाईस डिग्री पचास मिनट बाईस बयालीस सेकेंड ये यहां से यहां तक है ये तो हम देखते हैं कि ये जो दूरी है ये उल्टी दिशा में जा रही है इसी को नाप करके हम सूरज की गति निकालते हैं जैसे आप हमको ना देखिए हम आ गए हमारे हाथ की परछाई आ गई मैं वहाँ गया तो परछाई वहाँ गई वहाँ गए तो वहाँ गई तो परछाई हमारी ऐसे घूम रही है इसका हम जो भी होंगे हम भी घूम रहे हैं हम किस तरह से घूम रहे हैं हमारे परछाई के घूमने के क्रम को नाप करके हम कैसे घूम रहे हैं पता पा जाएंगे ऐसे दिन रात जब बराबर हुआ ग्यारह हजार पाँच सौ ईसा पूर्व ये लिखा हुआ है इस समय और पाँच सौ ईस्वी यहाँ पर शून्य है ये इस जगह पर यहाँ पे दिन रात्र बराबर है एक साल के बाद चौवन सेकंड पहले ही हो जाता है दिन और रात्र फिर अगले साल फिर चौवन सेकंड पहले ऐसे करते करते इस समय 2023 में ये 22 मिनट हो गया और 50 सेकंड हो गया 42 50 मिनट 42 सेकंड, 22 डिग्री 50 मिनट बयालीस सेकेंड इतना आ गया जब इतना आ गया तो सूरज कितना घूमा होगा उसको निकालिए इस तरह से सूरज की गति को पता किया गया किसने पता किया स्वामी तीर्थ गिरी ने कैलकुलेशन किया कि 24,000 हजार वर्ष में सूरज एक परिक्रमा एंटी क्लाकवाइज करते हैं लेकिन जो इक्विनॉक्सियल पॉइंट है दिन और रात्रि बड़ा है इसकी रेखा की मिलाइए तो उल्टी दिशा में परिक्रमा करती है सूरज जिस दिशा में थी उल्टी दिशा में ये छाया हमेशा उल्टी दिशा में आप देखिए पंखा चलता है प्रकाश का बदलिए तो धीरे धीरे लगेगा पंखा उल्टा चल रहा है ऐसे चल रहा है तो ऐसे दिखाई पड़ेगा जिस आप घर पे देखिए तो आपको पता चलेगा इस तरीके से इसको समझिए फिर हम बताएंगे हम एक पॉइंट कहते हैं दिन इक्की माने बराबर नाक्सिल मतलब रात्र जब रात्र और दिन बराबर हो रात्र और दिन बराबर कब था जो खोजा गया था ग्यारह हजार पांच सौ में पांच सौ ईस्वी में तो अगले एक साल के बाद चौवन सेकंड पहले ही हो गया दो वर्ष के बाद तीन वर्ष के बाद चार वर्ष के बाद और दो हजार तेईस वर्ष के बाद 2023 है ना यहाँ पर तो इसमें से 500 निकाल दीजिए इसमें से 500 निकाल देंगे जीरो से तो कितना वर्ष हो गया ये पाँच इसमें निकाल के देख लीजिएगा इतने वर्ष के बाद हम इतनी दूरी पर तय करते हैं हम तो बाईस सेकेंड आ गए और 50 मिनट आ गए बयालीस सेकेंड 22 डिग्री 50 सेकेंड बयालीस सुनिए 22 डिग्री 50 मिनट बयालीस सेकेंड देखिए 360 डिग्री तो हम बयाली बाईस डिग्री चल चुके हैं 50 मिनट चल चुके हैं बयालीस सेकंड चल चुके हैं आप उसको पूरा नापिए कितना वर्ष होता है नाप के जब आप देखेंगे तो इसमें से 500 निकाल देंगे 2023 में जब 500 निकालेंगे तो यहां से इतना वर्ष हुआ इस तरह से निकालते हैं तो इसको सोचिए खा करके सोने से काम नहीं चलता है देखिए ध्यान से 22 डिग्री 50 मिनट 42 सेकंड ये है क्या ये जो रेखा इसको इसको हम मिलाए हम ये उल्टी दिशा में चल रही है सूरज एंटी क्लॉकवाइज लेकिन ये रेखा क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे क्लॉकवाइज में इसको माप करके हम निकालते हैं कि इस समय कौन सा युग चल रहा है 1200 वर्ष का कल युग होता है 2400 वर्ष का द्वापर 3600 वर्ष का त्रेता अड़तालीस वर्ष का सतयुग यहां पर जब आप आ गए इतना इस भी आया ये यहां से यहां तक 1200 वर्ष बारह सौ वर्ष इसमें जोड़े तो 1700 आ गया एडी सत्तर सौ के बाद आगे आए दो हजार तेईस एडी आ गया इसको सोचिए अभी इसको फिर बताएंगे हम आज हम थोड़ा जल्दी में किसी है किसी की तकलीफ ज्यादा हम निकल रहे हैं हम आपके एक विजन दे रहे हैं इसको चित्र बना लीजिए रात में सोचिए इससे बीमारी जाएगी इससे गठिया ठीक होगी ब्लड प्रेशर ठीक होगा डायबिटीज ठीक होगी चिंता घटेगी दिमाग तेज होगा इसको फिर हम बताएंगे याद रखिएगा आप कहते हैं हम तो क्रिया योग सीखने आए हैं क्रिया योग क्या है क्रियाएं जो क्रियाएं चंद्रमा पर हो रही हैं सूरज पर हो रही है पेड़ों में हो रही है हमारे अंदर हो रही हैं आपके अंदर हो रही हैं इन्हीं क्रियाओं से तो जुड़ना है क्रिया क्या हम बता रहे हैं ना अगर केवल क्रिया युग ही बताया जाता तो इसके प्रारंभ में स्वामी के क्यों लिखते हैं द्वापर युग शुरुआत में लिखते हैं वर्तमान क्षेत्र के वर्तमान द्वापर युग के एक वर्ष में परम गुरु महाराज महावार बाबा जी से प्राप्त आज्ञा के अनुसार यह कृत्य जगत कल्याण के लिए लिखी जा रही है तो द्वापर युग पहले ही दिया है कि नहीं दिया है इसका एक एक शब्द क्रियायुग है ये इसको जानना बहुत जरूरी है नहीं तो लोग भरमाते रहेंगे कलकाल चल रहा है अंधकार में है सब विनाश को प्राप्त हो रहा है देखिए शासन प्रशासन अव्यवस्था है अव्यवस्था धुआं है ये खत्म हो जाएगा हम नहीं कहते शासन प्रशासन कोई चीज ठीक हो रही है या गलत हो रही है जब कोयले से आग निकलती है तो धुआं निकलता है शासन प्रशासन की व्यवस्था ये बताती ठीक नहीं है अब इंतजार करिए ठीक होगा कोयले में धुआं उठ रहा है इंतजार करिए कोयले का धुआं है इंतजार करिए अभी उसमें से लालिमा आएगी प्रकाश आएगा अग्नि आएगी इस तरह से कभी मत सोचिए कि क्या हो रहा अनुसंधान करिए बस आज और कल दो दिन में तीन दिन टाइम देंगे हम युग के, के बारे में समझने के लिए होली साइंस लेकर के किताब पढ़िए आपके योगी कथा मित्र भी है युग के बारे में जब ग्रहों नक्षत्र ग्रह का एक चैप्टर है उसमें होगा ग्रह शांति चैप्टर नंबर सोलह इसमें देखिए आपको मिलेगा युग के बारे में देखिए पेज नंबर दो सौ इकतीस इस बड़े वाले में स्वामीश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में चौबीस हजार वर्ष महाविश्व चक्र के गढ़ती प्रयोग की खोज की है इसमें कल द्वापर तेता सदपा डालिएगा इसको पढ़िए आंख बंद करके सोचिए आप करके देखिए जिंदगी बेकार नहीं रहेंगे आप नौकरी खोज रहे हैं ना आप खोजे भविष्य अच्छा हो इसको समझने से भविष्य अच्छा होगा बाकी जो कर रहे हैं करिए उसमें एक चीज ये भी ले लीजिए आज हम आपको पर छोड़ रहे हैं फिर से दोहरा रहे हैं सूरज परिक्रमा करते हैं चौबीस हजार वर्ष में कैसे पता करेंगे पता करते हैं जो इक्विनॉक्सियल पॉइंट है दिन और रात जब एक होता है दिन और रात जब बराबर होता है वर्ष में दो बार इक्कीस मार्च और तीस सितंबर के आसपास, तो ये समय था ग्यारह हजार सौ ईसा पूर्व में यहाँ पर क्या था कि हम बहुत ज्ञानी थे और पांच सौ ईस्वी बहुत ही अज्ञानी थे चलो बहुत ज्ञानी थे अज्ञानी थे जो भी थे इसे देखे होता क्या है अगर यहां पर दिन और रात्रि हम मान लें कि बराबर बराबर है एक वर्ष के बाद चौवन सेकंड पहले हुआ ये चौवन सेकंड इधर खिसका चौवन सेकंड इधर खिसका अगर ऐसे है ये है अगर चौवन सेकंड ऐसे खिसका ये ये चौवन का खिसका कितना खिसकेगा कि ये चौबीस हजार होगा उस तरह से आप निकालिए आप कहेंगे हम क्रिया युग सीखने आए हैं तो सीखिए कहाँ सीखेंगे बताने वाले तो हम ही हैं ना हम आपको धोखा थोड़ी दे रहे हैं योगी कथा मृत ग्रह की शांति चैप्टर नंबर सोलह में युग के बारे में है और होली साइंस का हिंदी के केवल दर्शन में इंट्रोडक्शन में युग के बारे में है पढ़िएगा